एपिसोड 209 ऑरलैंडो के हालचाल। अगर आपने सब पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जियान जिया की पूरी प्रॉब्लम को सुलझाने के बाद पोलैंड स्टार पवेलियन में आ जाता है और पोलैंड स्टार पवेलियन में हमारा जियान मास्टर याल और अपनी बेटी से मिलता है और फाइनली यहाँ पर से 3-4 बंदे होल ऑफ सोल की ओर निकल जाते हैं। और अब होल ऑफ सोल में पहुंचने के बाद हमारा जियान चलता है तो होल ऑफ सोल की एक शाखा पर हमला कर देता है। और अब आगे अब जैसे हमारा जियान यहाँ पर होल ऑफ सोल की एक शाखा पर पहुंचता है ना, तो यहाँ पर हमारे जियान को गुयू की आवाज आती है। और भाई साहब जैसे हमारे जियान गुयू की आवाज सुनता है ना, तो जो गुयू ने एक दर्जन से अधिक डाउ शेंगों को हमारे जियान से लड़ने के लिए भिजाया था ना, तो हमारा जियान चलता है तो उन्हीं सभी डाउ शेंगों के टू डाउ जोंग लेवलों के बंदों के सामने आ जाता है और उन्हें अपने हाथ हिलाने से ही खत्म कर देता है। खत्म क्या, हमारा जियान हाथ लाता है ना तो इनका शरीर फट जाता है और इनकी जो आत्मा थी ना वो भी एकदम चकनाचूर हो जाती है। बोला जाए तो ये बंदे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब ही हो जाते हैं। लेकिन इतने में हमारा जियान देखता है कि सामने एक आदमी बचा हुआ है और उस आदमी के चारों तरफ एक नीले कलर की फ्लेम जल रही है, बोला जाए तो रोशनी जल रही है। अब जैसे ही हमारा जियान इस नीले कलर की रोशनी को देखता है ना, तो हमारा जियान एक ही बार में पहचान जाता है कि C8 फ्लेम, ये तो 15वें नंबर की सबसे पावरफुल फ्लेम C8 फ्लेम है। लेकिन इतने में हमारे जियान की नजर उस आदमी के चेहरे पर पड़ती है और भाई साहब ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मास्टर याला और हमारे जान का पुराना दुश्मन मुगू होता है। और भाई साहब जैसे ही हमारे जान मुगू को देखता है ना, तो उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट छा जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो अपना हाथ लाता है और हाथ लाते ही जी मुगू मतलब की हमारे जान से थोड़ी दूरी पर ठड़ा हुआ था ना, वो खिंचते हुए हमारे जान के पास आने लगता है। और भाई साहब जैसे ही मुगू की नजर हमारे जान पर पड़ती है ना, तो मुगू की पैंट एकदम गीली हो जाती है, क्योंकि जब से 3000 बर्निंग फ्लेम को छीनने में बोला जाए तो टावर से होल ऑफ सोल में लाने में असफल हुआ है ना मुगू, तभी से होल ऑफ सोल के कुछ विशेषज्ञों ने मतलब कि डिप्टी चीफ वगैरह ने मुगू की ड्यूटी सेंटर फ्लेम से बाहर लगा दी है, मतलब कि कोने कचारी में जाकर आत्म पकड़ कर लाओ। और भाई साहब तभी से मुगू सेंटर फ्लेम से दूर रहा है। हालांकि इस बीच में मुगू को जानकारी मिलती रहती थी कि जियान इतना पावर हो गया है, इतना पावर हो गया है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जियान सच में एक डाउ शेंग बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर जियान हमारा मुगू को देखता है ना, तो वो मुगू से कहने लगता है कि हमें काफी साल हो गए हैं मिले हुए, ये जो आपके पास हेवनली फ्लेम है ना 15वें नंबर की, ये आपके लाने बेकार है, इसलिए इसे आपको शायद मुझे दे देना चाहिए। और भाई साहब हमारा जान ये कहते ही अपना हाथ आंग करता है और मुगू के अंदर से C8 फ्लेम को खींचने लगता है। और भाई साहब जैसे ही मुगू ये महसूस करता है ना कि जान उसकी जबरदस्ती C8 फ्लेम लेना चाहता है, तो मुगू चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जान क्या तुम सच में मेरी फ्लेम उसे छीनने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होल ऑफ सोल के अंदर आने की, तुम सच में आज मौत की तलाश में हो। अब भाई साहब गुयू ये कहता ही है, तभी हमारे जान को महसूस होता है कि 1000 फुट बड़ा मतलब कि चट्टान जैसा था और वो तेजी से हमारे जान की ओर आ रहा है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान कहने लगता है कि एकमात्र बानसेंग वास्तव में वो खुद को शर्मिंदा कर रहा है। अब इतने में यहाँ पर हमारा जान चलता है तो कहने लगता है कि भूत गुयू तुम सच में अपने बारे में बहुत सोचते हो। और भाई साहब ये कहकर हमारा जान सिर हिलाता है और अपनी एक उंगली को आगे कर लेता है। अब इतने में जैसे ही हमारे जान की उंगली आगे होती है ना, तो इस उंगली से तेज झंझनाहट हिटती है और इस मतलब की जो गुयू हमारे जान की ओर तेजी से आ रहा था ना उसमें पड़ती है, और जैसी झंझनाहट गुयू में पड़ती है ना, तो ये पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और होल की दीवार से टकरा जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है दोबारा से अपना सिर माता है और मुगू की ओर दिखने लगता है। अब इतने में हमारे जान अपना आगे हाथ कर चिल्लाकर कहता है कि बाहर आओ। और भाई साहब हमारे जान के है कहती C8 फ्लेम तुरंत मुगू के शरीर से बाहर निकल आती है। और भाई साहब जैसी C8 फ्लेम मुगू के शरीर से बाहर निकलती है ना, तो मुगू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। और अब इतने में यहाँ पर मुगू चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान मैं तुम्हारे साथ मेरी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और भाई साहब यह कहकर अब मुगू चलता है तो कुछ हैंड सील बदलता है, और भाई साहब जैसे ये सील बनाता है ना, तो उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और शरीर फूलने लगता है। और भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारे जान मुगू का शरीर फूलते हुए दिखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो मुगू से कहने लगता है कि आज मतलब की वर्तमान स्थिति में तुम मेरे सामने आत्म विस्फोट भी करने के काबिल नहीं हो। और भाई साहब मुगू से है कहते ही हमारा जान चलता है तो हाथ हिलाता है, और हमारे जान के हाथ हिलाती एक तेज हवा सीधा
मूंगू के शरीर से टकरा जाती है। और भाई साहब जैसे हमारे जान काटे के मूंगू से टकराता है ना, तो मूंगू यहीं पर टिल हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो मूंगू से निपटने के बाद अपने हाथ में सियाट फ्लेम को देखने लगता है। हमारा जान चलता है तो इस 15वें नंबर की फ्लेम को देखकर को सोचता है, पर सोचने के बाद इस फ्लेम को खा जाता है, क्योंकि जान की वर्तमान ताकत के हिसाब से सियाट फ्लेम हमारे जान को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती और हमारी जान की पावर में भी वृद्धि नहीं कर सकती फ्लेम मंत्रा की सहायता से। लेकिन हमारे जान को सबसे ज्यादा सियाट फ्लेम से फायदा तब होगा जब हमारा जान 5 रंगों वाला एंग्री बुद्धा लोटस बनाएगा। हालांकि हमारे जान के पास नकली फ्लेम है जो कि कई सारी बीस्ट फ्लेमों से मिलकर बनी है, लेकिन एक असली हेवली फ्लेम ही होती है। अब इतने में जो मूगू हमारे जान ने पीछे फेंक दिया था ना, वो उठता है और हमारे जान के पास आ जाता है और यहाँ पर चिल्ला कर कहते हैं कि जान ये वही जगह है जहाँ पर आज तुम्हारी कब्र बना दी जाएगी। और भाई साहब जैसे हमारा जान सियाट फ्लेम को निकलने के बाद इस बंदे की बात सुनता है ना, बोला जाए तो गुयू की बात सुनता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, आज क्या है ना, आज मैं यहाँ पर ब्लड की नदियां बहाने के लिए आया हूँ, इसलिए गुयू आज तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भाई साहब जिया ने पहले ही यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा कवच चढ़ा दिया है जिससे हुन कबीले का कोई भी मेंबर यहाँ पर ना आ सके। हालांकि हमारा जान जानता है कि गुयू के पास पक्का एक जेट टोकन होगा हुन कबीले के विशेषज्ञों को बुलाने का, लेकिन हमारे जान ने पहले ही इसकी व्यवस्था कर रखी है ताकि ये टोकन यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम ही नहीं करे, क्योंकि हमारे जान ने पहले ही जिया की सहायता से यहाँ चारों तरफ सील चढ़वा दिया है। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर एक कहता है कि आज वो यहाँ पर खून की नदियां बहाने के लिए आया है, तो यहाँ पर जो गुयू था ना वो सोल का दूसरा ट्यांग जो वो जोर जोर से हंसने लगता है। ओह हा हा हा। अब इतने में यहाँ पर गुयू कहता है कि जान तुम इस दुनिया में शायद ही ऐसे व्यक्ति हो जिसने ओलोफ सोल के लिए ऐसे शब्द कहे हैं कि वो ओलोफ सोल की ब्लड की नदियां बहा देगा। जान मैं जानता हूँ कि तुम डाउ श्रेंग लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन आपके लिए ये काफी नहीं होगा कि तुम अपनी डाउ श्रेंग लेवल वाली पावर से मेरे हुन कबीला या फिर ओलोफ सोल को मार सको। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गुयू की बात सुनता है ना, तो वो गुयू को एकदम नजरअंदाज कर देता है और एक ओलोफ सोल की एक बिल्डिंग की ओर देखने लगता है। अब इतने में देखने के बाद हमारा जान कहता है कि फस्टियांग जंग तुम्हें छुपने की क्या जरूरत है, मेरे सामने आ जाओ, मैं जान आज यहाँ पर ब्लड की नदियां बहा दूंगा, इसलिए बाहर आ जाओ। और भाई जब जैसे हमारे जान यहाँ पर एक कहता है ना, तो इस बिल्डिंग से एक आवाज आती है कि क्या हैंकारी शब्द हैं, तुम सिर्फ डाउ शेंग लेवल पर पहुंचे हो और ओलोफ सोल या फिर हुन कबीले को धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। और भाई साहब यह कहती मतलब कि इस बिल्डिंग से यह आवाज आती है, और जैसी आवाज आती है ना तो इस बिल्डिंग से काला धुआं निकलने लगता है और बाहर एक बुड्ढे में बदल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बुड्ढा लग रहा था। और भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारे जान फर्स्ट ट्यांगजोंग को दिखता है ना, तो वो दिखता है कि फर्स्ट ट्यांगजोंग बहुत ही ज्यादा बुड्ढा है और तो और वो काले कलर के कपड़े पहने हुए है और उसकी हाइट थोड़ी कम है आम जोंग के मुकाबले, और तो और उसकी जो आंखें हैं ना वो किसी आग की तरह चमक रही हैं जो किसी भूत की तरह लगती हैं। और भाई साहब जैसे यहाँ पर फर्स्ट यांग जोंग आता है ना, तो हमारे जान कहने लगता है कि फर्स्ट यांग जोंग आखिरकार तुमने मुझे अपने आप को बता ही दिया। और भाई साहब जान की बातें सुनकर फर्स्ट टांग जोंग से रिलाता है कि हाँ पहले मैंने अपने आप को तेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, देखता हूँ कि तू क्या कर पाता है। मतलब कि मन में फर्स्ट टांग जोंग सोचने लगता है। अब इतने में यहाँ पर फर्स्ट टांग जोंग चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान मेरे होलोफ सोल और हुन कबीले ने फैसला किया था कि तुम्हें कुछ समय के लिए और जिंदा छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को ही हुन कबीले या फिर होलोफ सोल के हाथों में पकड़वाना चाहते हो, तभी तो तुम यहाँ पर खुद को सौंपने के लिए आ गए हो। और भाई साहब हमारा जान इसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। हमारा जान सोचने लगता है कि जब वो डाउ शेंग लेवल में अपग्रेड हुआ था ना, उस समय गुयू को एक बंदा बचाने के लिए आया था, तो शायद ये फर्स्ट ट्यांग जोंग ही है जो उस समय गुयू को पोलन स्टार पवेलियन से बचा कर ले गया था। हालांकि यहाँ पर हमारा जान समझ जाता है कि अगर उस समय ये फर्स्ट टियांग जोंग उसके सामने आ गया होता तो शायद हमारा जान इससे जीत ही नहीं पाता, लेकिन अब समय बदल चुका है, क्योंकि भले ही फर्स्ट टियांग जोंग डाउ शेंग के 2 स्टार के मीडियम लेवल पर हो, लेकिन फिर भी हमारा जान उसे हरा सकता है। अब इतने में दूसरा ट्यांग जोंग फर्स्ट ट्यांग जोंग से कहने लगता है कि बड़े भाई आप इस बच्चे से फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं, जाओ और जाकर इसे मार डालो और इसकी आत्मा को निकाल लो, क्योंकि एक डाउ शेंग लेवल वाले बंदे की आत्मा बहुत ही ज्यादा खास होती है, और तो और अगर आपने इसकी आत्मा को निकाल लिया तो यहाँ पर मतलब कि इस शाखा पर हमने 100 वर्षों में जितनी आत्माओं को इकट्ठा किया है ना, इस अकेले की बंदे की आत्मा ही उसके बराबर हो जाएगी। और भाई साहब ये बात गुयू इसलिए कह रहा था क्योंकि जान के हाथों से वो एक बार हार गया था और बाल बाल मरने मरने से बचा था। वो तो अच्छा है कि उसका बड़ा भाई मतलब कि फर्स्ट ट्यांग जोंग, और हाँ बड़ा भाई नहीं है मतलब कि कहते हैं ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ट्यांग जोंग ने उसे वहां पर बचाकर वापस ओलोफ सोल ले आया था। हालांकि ओलोफ सोल में आने के बाद उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर गुयू एक कहता है ना, तो गुयू की मतलब
की जान के पास एक आवाज आती है कि गुयू तुम्हें ये फालतू के शब्द नहीं कहने चाहिए। और भाई साहब ये आवाज आती ही हमारी जान के पास एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से मास्टर यालाओ बाहर निकल कर आती है। और भाई साहब मास्टर यालाओ जैसे गुयू को देखते है ना तो वो मुस्कुराने लगते हैं। और भाई साहब जैसे यहाँ पर गुयू मास्टर यालाओ को देखता है ना तो वो कहने लगता है कि याओ चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब कि ये कहने वाला होता है। तभी गुयू मास्टर यालाओ के शरीर से भयानक शक्तियों को महसूस करने लगता है। और भाई साहब जैसे गुयू यहाँ पर ये महसूस करता है ना मास्टर यालाओ की शक्तियाँ तो उसका चेहरा उतर जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि तुम डाउ शेंग लेवल पर कदम रख चुके हो। और भाई साहब हमारे मास्टर यालाओ जब गुयू की बात सुनते हैं ना तो वो और भी ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं। और फिर वो गुयू से यहाँ पर कहते हैं कि पिछली बार तुमने मुझ पर गुप्त रूप से हमला किया था, इसलिए अब बारी आ गई है उस हमले का कर्ज चुकाने की। और भाई साहब जैसे मास्टर यालाओ यहाँ पर ये कहती है ना तो यहाँ पर गुयू चलता है तो वो भी कहने लगता है कि याओ चैन ये मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ क्योंकि तुम डाओ शेंग लेवल पर पहुंच गए हो, क्योंकि मैंने भी डाओ शेंग लेवल में एक कदम रख दिया है और मैं बहुत जल्द डाओ शेंग लेवल पर पहुंच जाऊंगा। हालांकि यहाँ पर मास्टर यालाओ से गुयू डर तो रहा था लेकिन इतना ज्यादा नहीं डर रहा था क्योंकि गुयू बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि ये स्थान होलोफसोल का स्थान है, इसलिए यहाँ पर उसकी लड़ने की पावर बहुत ही ज्यादा होगी। अब इतने में गुयू चलता है तो अपने हाथों को सामने लाता है और भाई साहब जैसे ही गुयू अपने हाथों को सामने लाता है ना तो नीचे जो जंजीरें थी ना वो कांपने लगती हैं और उन जंजीरों से काला कोरा बाहर निकलने लगता है। अब इतने में काला कोरा चलता है तो गुयू के शरीर में समा जाता है। और भाई साहब जैसे ये काला कोरा गुयू के शरीर में समाता है ना तो यहाँ पर गुयू चिल्ला कर कहता है कि याओ चैन आज मैं देखना चाहूंगा कि होलोफसोल के हाथों से तुम कैसे बचकर जाती हो, क्योंकि पहले भी हम तुम्हें पकड़ सकते थे और अब भी हम तुम्हें कैद कर सकते हैं। और भाई साहब ये कहती अब गुयू चलता है तो आगे बढ़ता है और उसके शरीर से बहुत ही सारी चैन निकल कर जैसे बिल्कुल काले कलर की थी और उनसे काला कोरा निकल रहा था सीधे मास्टर यालाओ की ओर आगे बढ़ने लगती है। अब भाई साहब जैसे हमारे मास्टर यालाओ इन चैनों को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना तो मास्टर पहले मुस्कुराते हैं और फिर इसके बाद अपने शरीर से शक्तियां निकालना शुरू करती हैं। अब पलक झपकती मास्टर यालाओ की शक्तियां बोल्ट में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं और वो सीधा गुयू से टकरा जाती हैं, मतलब कि गुयू आ रहा था ना अपनी चैनों के साथ उसी से टकरा जाती हैं। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि मास्टर यालाओ और गुयू के बीच में लगे तरी होना शुरू हो गया है तो हमारा जान मास्टर यालाओ और गुयू से अपना ध्यान हटा लेता है। अब बाद हमारा जान चलता है तो किंगलिंग और लिटिल पेरी डॉक्टर की ओर देखने लगता है और भाई किंगलिंग और लिटिल पेरी डॉक्टर भी समझ जाते हैं क्योंकि हमारा जान यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह जानता है कि अगर लिटिल पेरी और किंगलिंग साथ मिल जाएं तो वो एक डाउ शेंग लेवल वाले बंदे से भी लड़ सकते हैं और यहाँ पर जितने भी टियांग जोंग है ना वो ज्यादातर डाउ जोंग बंदे की हैं, इसलिए लिटिल पेरी डॉक्टर और किंगलिंग उन्हें बहुत ही आसानी से संभाल सकती हैं। अब जैसे ही पहले टियांग जोंग ये देखता है कि आसपास चारों तरफ लड़ाइयां होना शुरू हो गया है तो टियांग जोंग की थोड़ी शक्ल बदल जाती है और वो अपने हाथों को हिलाकर अपने हाथों में एक सील बनाने लगता है। अब जैसे ही पहला टियांग जोंग यहाँ पर ये सील बनाना शुरू करता है ना तो आसपास बहुत सारी हड्डियां तैरने लगती हैं हवा में। अब इतने में ये हड्डियां चलती हैं तो तेजी से हमारी जान की ओर तेजी से आने लगती हैं। अब जैसे ही हमारा जान इन हड्डियों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो पहले तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथों से हेवनली फ्लेम को निकालता है और चारों तरफ फैला देता है। और भाई साहब जैसे ही हमारे जान की हेवनली फ्लेम चारों तरफ फैलती है ना तो ये हड्डी जो हमारे जान की तरफ आ रही थी वो पलक झपकती पिघल जाती है। अब जैसे ही फर्स्ट टियांग जोंग यहाँ पर अपनी हड्डियों को पिघलते हुए दिखता है ना तो वो जोर से चिल्लाकर कहता है अस्ते अस्ते सम्राट भेदी आकाश, इंग्लिश में बोला जाए तो बोन एम्परर प्रैंग स्काई। और भाई साहब जैसे ही हमारे जान ने फर्स्ट टियांग जोंग की ऐसी आवाज सुनता है ना तो वो अपने सिर के ऊपर दिखने लगता है, वो दिखता है कि उसके सिर के ऊपर तेज हवा का उतार चढ़ाव आने लगा है और पलक झपकती यहाँ पर एक बहुत बड़ा हड्डी का ब्लेड बोला जाए तो हड्डी की तलवार तेजी से हमारे जान की ओर आने लगती है। अब जैसे हमारा जान इस हड्डी की तलवार को अपनी ओर आता हुआ महसूस करता है ना तो जान समझ जाता है कि वो कोई डाउ की अटैक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का अटैक है। और भाई साहब जब हमारे जान ये महसूस करता है कि फर्स्ट टियांग जोंग आध्यात्मिक शक्तियों का हमला कर सकता है तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है लेकिन हमारा जान किसी भी प्रकार से डरता नहीं है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी मुट्ठी बनाता है और तेजी से हवा में मार देता है। और भाई साहब हवा में मारती हवा में उतार चढ़ाव होने लगता है और हमारे जान के माथे से आध्यात्मिक शक्तियां निकल कर आती हैं और यहाँ पर एक मुट्ठी का रूप ले लेती हैं और तेजी से इस फर्स्ट टियांग जोंग की तलवार की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जैसी हमारी जान की मुट्ठी इस हड्डियों की तलवार से नहीं मतलब कि इस तलवार के आगे भी एक शक्तियों का बैरियर है उससे टकराती है ना तो ये बैरियर एकदम चकनाचूर हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट टियांग जोंग ने एक हड्डियों की तलवार बनाई थी और उससे हमारी जान की ओर शूट कर दिया था लेकिन उस तलवार के ऊपर पहले टियांग जोंग ने एक आध्यात्मिक शक्तियों का कवच चढ़ा दिया था तो हमारा जान चलता है तो उस आध्यात्मिक शक्तियों के कवच को नष्ट कर देता है और अब सिर्फ तलवार बचती है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट टियांग जोंग ये देखता है कि उसकी हड्डी का कवच एकदम नष्ट हो गया है, आध्यात्मिक शक्तियों का कवच नष्ट हो गया है तो फर्स्ट टियांग जोंग चलता है तो यहाँ से गायब होकर
तुरंत तलवार के पास प्रकट हो जाता है। अब इतने में फर्स्टी अंग्रेज चलता है तो अपने हाथों से काला कोहरा निकालता है और इस तलवार में भरने लगता है और पलक झपकती ये तलवार फूलने लगती है और फूट जाती है और बहुत सारी छोटी छोटी तलवारों में बदल जाती है जो कि हड्डियों की होती हैं। अब ये तलवार चलती है तो तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जैसे ही हमारा जान इन अजीब सी तलवारों को अपने ऊपर आते हुए देखता है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि ये तलवार किसी की आत्मा तक को भी बहुत ही बुरी तरह से घायल कर सकती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो जमीन पर लैंड कर जाता है, मतलब कि उतर जाता है और उतरने के बाद हमारा जान जमीन पर जोर से पैर मारता है और जैसे ही हमारा जान जमीन पर पैर मारता है ना जोर से तो 100 लावा के फुब्बारे बोला जाए तो जमीन के अंदर से 100 प्लग निकलते हैं लावा के और इन ब्लेडों से टकरा जाती हैं। और हाँ ये वाली टेक्निक है ना ये लावा वाली ये हमारे जान को हेवनली पैलेस से मिली थी और वो कब जब हमारा जान सारे योद्धाओं के बीच में एक हॉल में था और वहां पर 10 ऊपर टेक्निक लटकी हुई थी ना हमारे जान ने उस समय एक टेक्निक प्राप्त कर ली थी ये वही टेक्निक है ठीक है। अब जैसे हमारे जान इस टेक्निक का उपयोग करता है ना तो जमीन से 100 से अधिक लावा के प्लग बाहर निकल आते हैं और इन हड्डियों की तलवारों से टकरा जाती हैं। अब जैसे ही ये तलवार उन पिलरों से टकराती है ना तो ये तलवार चलती हैं तो इन पिलरों को तोड़ देती हैं लावा के पिलरों को तोड़कर तेजी से हमारी जान की ओर बढ़ने लगती हैं। और भाई साहब जब पहला टियांग जो यहाँ पर ये दिखता है कि जान उसके अटैक को नहीं रोक सकता तो यहाँ पर ये जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पर कहता है कि जान आज तू मरेगा, आज तू यहाँ पर पक्का मरेगा। और यहीं हमारा जान भी सोच रहा होता है कि ये हड्डी की तलवार है ना ये शायद हजारों लोगों की हड्डियों से बनाई गई है और तो उन्हें हड्डियों की तलवारों के भीतर आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं जो किसी भी शरीर की आत्मा को बुरी तरह से जख्मी कर सकती हैं या फिर खा भी सकती हैं। इतने में यहाँ पर पश्चिम जंग कहता है कि जान मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा मूर्ख हो, आज ये फर्स्ट टियांगजोंग तुम्हें पक्का मार डालेगा यहाँ पर और तुम्हारी आत्मा को लेकर भून कबीले में जाएगा और वहां पर तुम्हारी आत्मा को बुरी तरह से टॉर्चर करेगा। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान फर्स्ट टियांगजोंग की बात सुनता है तो हमारा जान चलता है तो एक पल के लिए सोचने के बाद जोर से हंसने लगता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए हेवनली फ्लेम को अपने चारों तरफ लपेट लेता है ताकि हमारे जान की आत्मा घायल ना हो सके। अब इतने में हमारा जान चलता है तो 5 रंगों की हेवनली फ्लेम को सामने निकालता है, मतलब कि अपने हाथ से निकालता है, जिसमें सी हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, 3000 बर्निंग फ्लेम, सॉरी 9 नंबर की फ्लेम थी ना 3000 बलिनिया फ्लेम ठीक है, ब्लड हार्ट फ्लेम और 9 नंबर की हरे कलर की सॉरी 19 नंबर के हरे कलर की कमल वाली फ्लेम ठीक है, सभी शामिल होती है। और भाई साहब फ्लेम निकालने के बाद अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि फर्स्ट टियांगजोंग तुम अपनी इन टूटी हुई हड्डियों पर इतना भरोसा करते हो तो आज मैं इन हड्डियों को एकदम चकनाचूर कर दूंगा। और भाई साहब यह कहती है अब हमारा जान चलता है तो अपने हाथों पर सील बदलता है और भाई साहब जैसे हमारा जान सील बदलता है ना तो कुछ ही पल बाद यहाँ पर 5 जानवर बन जाती हैं, भेड़िया तेंदुआ ड्रैगन, मतलब कि 5 जानवर बन जाती हैं और आकाश में तैरने लगती हैं। अब इतने में ये जानवर चलते हैं तो घूमने लगते हैं आस पास और घूमते घूमते एक बहुत बड़ा आग का कुआं बना लेती हैं। अब इतने में ये आग का कुआं चलता है तो तेजी से यहाँ पर घूमने लगता है और तो और इस आग के कुएं के कारण अंतरिक्ष भी रहने लगता है, बोला जाए तो क्रैक आने लगते हैं। अब जैसी पश्चिमांगजोंग यहाँ पर जैसी हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है ना तो पश्चिमांगजोंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि बच्चे तुम कितने ज्यादा अहंकारी हो। और भाई साहब यह कहकर आप टियांगजोंग चलता है तो अपने हाथों की हैंड सील बदलने लगता है, जिस वजह से जो यहाँ पर सफेद हड्डियां ब्लेड के रूप में तलवार के रूप में हमारे जान की ओर आ रही थी ना तेजी से वो धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टियांगजोंग एक बार और चिल्लाकर कहता है आत्मा विनाश इस लेक, और हाँ ये इस लेक क्या होता है मुझे पता नहीं, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है सोल डिस्ट्रोमेशन इसलिए। अब जैसे ही फर्स्ट टियांगजोंग यहाँ पर चिल्लाकर कहता है ना जो तलवार हड्डियों से बनी हुई हमारे जान की ओर आ रही थी और जो लाल कलर में बदल गई थी उन तलवारों पर अजीब अजीब से चिन्ह पड़ने लगते हैं। अब इतने में इनमें से एक तलवार चलती है तो फर्स्ट टियांगजोंग के हाथ लाती ही हमारी जान के इस आग के कुएं के अंदर घुस जाती है। जैसी आग के कुएं के अंदर एक तलवार घुसती है ना तो इस आग के कुएं में ऐसा लगने लगता है कि मानो किसी ने नाली बना दी हो, मतलब कि जो पाइप रहता है ना एकदम लंबा ऐसा लगने लगता है कि किसी ने आग के कुएं में बोर कर दिया हो, मतलब कि ऐसे समझाऊं पाइप लाइन डाल दी हो ठीक है, पाइप लाइन डाल दी हो। अब जैसी हमारा जान पहले टियांगजोंग के हमले को महसूस करता है तो हमारा जान चलता है तो तुरंत सील बदलता है और सील बदलते ही जो आग का कुआ घूम रहा था ना वो और भी तेजी से घूमने लगता है और अब हमें ये एक दानेदार प्लेट की तरह दिखाई देने लगता है और तो और अब इस प्लेट से हमें, मतलब कि इस आग के कुएं वाली प्लेट से हमें झुनझुनाहट भी आने लगती है। अब इतने में आग का कुआ चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है और सीधा विशाल हड्डियों की ब्लेड से टकरा जाता है। और भाई साहब जैसे ही हमारे जान का अटैक, मतलब कि ये कुआ और पहले टियांगजोंग का वो हड्डियों की तलवार वाला अटैक
आपस में एक दूसरे से टकराती है ना, तो फिर हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर जिया ने सील चढ़ाई थी। अचानक ये सील कांपने लगती है और इसके अंदर से एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, बड़ाम, और भाई साहब इस धमाके के कारण सील भी पूरी तरह से कांप जाती है। और तो और यहाँ पर जो हॉल था ना, मतलब की होल ऑफ सोल का हॉल, वो भी पूरी तरह से ढह जाता है। और तो और हमारी जिया ने जो सील चढ़ाई थी ना, जिया ने उस पर भी थोड़े बहुत अब क्रैक आ जाते हैं इस हमले के कारण। अब इतने में हमारी जान के इस कुएं को बताया जाता है, जो कि इस हड्डी की तलवार को, मतलब कि इस हड्डी से तलवार से टकराने के बाद धीरे धीरे गायब हो जाता है। और वहीं पहले ट्यांगजोंग की वो तलवार थी ना, वो भी पीछे फेंकती हुई चली जाती है और एक पहाड़ से टकरा जाती है और पूरी तरह से वहां पर अस्त व्यस्त हो जाती है, मतलब कि टूट टूट कर बिखर जाती है। हालांकि इस अटैकों के कारण ना ही फर्स्ट ट्यांगजोंग को ज्यादा खास पहुंचा, मतलब कि चोट पहुंची, और ना ही हमारे जान को। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि एक जगह ठाड़ा हुआ होता है हमारे जान के ऊपर, जो आग का कुआ, मतलब कि जो आग के जानवर लहर रहे होते हैं ना, घूम रहे होते हैं ना, वो पलक झपकती है एक रोशनी में बदलकर हमारे जान के सामने आ जाते हैं और हमारा जान उन्हें खा जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वहां पर दिखने लगता है जहां पर एक तलवार डरी हुई थी, मतलब कि फर्स्ट ट्यांगजोंग की वो हड्डियों से बनी हुई तलवार डरी हुई थी। हमारा जान दिखता है कि उस हड्डियों की तलवार से एक अजीब सी हवा निकल रही है, और जब हमारा जान इस आभा को महसूस करता है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस हड्डी की तलवार से जो आभा निकल रही है ना, वो किसी की आत्मा को बहुत ही ज्यादा जख्मी कर सकती है। जख्मी क्या, किसी कमजोर आत्मा को तो वो पलक झपकते ही मार सकती है। हमारा जान समझ जाता है कि हड्डी की तलवार बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, क्योंकि इस तलवार से जो आभा निकल रही है ना, अगर हमारे जान की हेवनली प्लेमोच की आत्मा को सुरक्षित नहीं रखती, तो शायद हमारी जान की आत्मा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती। अब इतने में हमें फर्स्ट ट्यांगजोंग को बताया जाता है, जो कि हमारे जान को घूर घूर कर देख रहा होता है। फर्स्ट ट्यांगजोंग है तो यहाँ पर एक पल के लिए सोचता है, और फिर सोचने के बाद हमारी जान से कहने लगता है कि तुम सच में एक ऐसे व्यक्ति होने के लायक हो जिसे मेरा होल ऑफ सोल बार बार पकड़ने में असफल हुआ है। सच में तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारी तारीफ कर सकूं। तुम सिर्फ एक ही वर्ष में एक वन स्टार डाउ शेंग से एक टू स्टार डाउ शेंग बन चुके हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहा हूँ। लेकिन मेरा तुम्हें सुझाव है कि अगर तुम मेरे होल ऑफ सोल में शामिल होने की इच्छा रखते हो, तो मेरे होल ऑफ सोल में तुम शामिल हो सकते हो। मुझे पता है कि अगर तुम मेरे होल ऑफ सोल में शामिल हो गए, तो तुम्हारा स्थान मुझसे भी कई गुना ऊपर होगा। बोला जाए तो तुम मुझसे, मतलब कि मेरे ऊपर भी हुक्म चला सकते हो, ठीक है। यही बात है क्लियर कहने की। और फिर क्या, इसी क्लियर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन भाई अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर अब बहुत जल्द डिप्टी चीफ आने वाला है, तो उसे सुनने के लिए जल्दी से इस पर 500 कमेंट और 2000 लाइक करवा दो, ठीक है। उम्मीद है कर दोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।